नमस्ते। मैं बिहार के सभी मजदूरों से ये कहना चाहती हूँ, और मैं खुद एक बिहारी हूँ और मुझे अपने बिहारी होने पे बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे भी प्रॉब्लम हुई, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं बिहार छोड़ के और मैं दूसरे राज्य में जाके काम करूँ। हाँ, दूसरे राज्यों में जाना मना नहीं है, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, पर घूमने जाएंगे वहाँ, कमाने नहीं। कमाना है, बढ़ाना है, तो आज अपने बिहार को आगे बढ़ाओ। आज वहाँ मर रहे हो, उससे अच्छा होता कि अपने गांव में रह के मर गए होते। क्या ज़रूरत थी, दो रोटी आपको यहाँ नसीब नहीं होती थी? नहीं, आपको तो लगन लगी बाहर जाने की। आप बाहर जा रहे हो ना, क्या मिल रहा है? पूरी ज़िंदगी कमाया एक थैले में समेट के ला रहे हो, और वो भी थैला घर तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है कहना मुश्किल है। 1 लाख भी रुपए आप लोगों ने जमा नहीं किए होंगे मेरे ख्याल से साल भर। आज क्या दशा हो रही है। मैंने ना एक किसी ने व्हाट्सएप पे लगाया था, मैंने एक लेटर पढ़ा था। उस लेटर के अंदर, मतलब बिहार का वो मजदूर था, उसने लिखा था, उसने मकान मालिक को लिखा था कि मैं आपकी साइकिल चुरा के जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं विकलांग हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उसे अपने घर तक पहुंचना था और वो इस तरह से आ रहा था। एक बूढ़ी औरत जिसके तलवे की खाल निकल चुकी थी, वो अपने घर पहुंचना चाहती थी। आज इस स्थिति में आप लोग अपने घर पहुंचना चाहते हैं, ये कभी सोचा नहीं था। कितनी भी तकलीफ हो ना, अपनी मिट्टी में मर जाओ, मत जाओ कहीं बाहर। हम कुछ कर भी नहीं सकते आपके लिए, बस दुआ कर रहे हैं आप लोग सही सलामत अपने घरों को आओ। कसम खा लो, कसम खा लो कि हम नहीं जाएंगे कहीं बाहर कमाने। रोजी रोटी की कमी नहीं है, सिर्फ सोच है ना, सोच सोच को बदलो। बदलना है ना, आज अपने बिहार को आगे बढ़ाओ, बिहार को आगे बढ़ाओ। आज लोगों लोग ना ऐसे बिहारी शब्द को गालियों की तरह लेते हैं। गाली नहीं है, ये सिर्फ आपकी आदतों का नतीजा है। भाग भाग के जाते हो ना बाहर, वहाँ जो काम अपने घरों पे नहीं करते हो वो काम आप जाके बाहर करते हो। रिक्शा चलाते हो, ठेला चलाते हो, मजदूरी करते हो, क्या नहीं करते हो आप लोग, फैक्ट्री में काम करते हो, मतलब हर कुछ करने के लिए तैयार है। अगर यही काम हमें अपने घर पे करना पड़े ना, तो नहीं करोगे, नहीं करोगे आप लोग। ये जो है ना, इसी का नतीजा है। अगर आज अपने घरों को होते, सुरक्षित होते, ये कितनी बीमारियां आप लेके आ रहे हो वहां से, और कितनी तेजी से बढ़ रही है ये, और आपकी स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। आप चले तो थे अपने घर को आने के लिए, कई तो रास्ते में मर गए, किसी के बच्चे मर गए, कोई खुद ना रहा। घर पहुंचने की जद्दोजहद में खत्म हो गए आप रास्ते में। जो बचे हो, हम तो बस दुआएं करेंगे आप आ जाओ। अब अगर आओगे ना, पहुंच गए अगर सही सलामत अपने घरों को, खेत में मजदूरी कर लेना, किसी के यहाँ काम कर लेना, रिक्शा ठेला अपने यहाँ चलाना, चाय की दुकान अपने यहाँ करना, कुछ भी करना हो तो अपने यहाँ करना, बाहर मत जाना, कसम खा लो आज से। पता नहीं सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे, फिर कुछ होगा, फिर थोड़ा ठीक होगा, फिर भागोगे आप लोग बाहर। रोजगार की कमी नहीं है आप में, जो है ना सोच की कमी है, सोचते नहीं हो, सोचते नहीं हो, सिर्फ एक को देखा, एक के पीछे 10 चल दिए, 10 चल दिए। क्या जरूरत क्या है, यहाँ रह के नहीं कमा सकते आप? आज आपकी हालत हो रही है, मतलब कई कई दिनों से भूखे नंगे चल रहे हो, पैर में चप्पल चप्पल नहीं, पैर जल रहा है, बच्चे ने कई दिनों से खाना नहीं खाया, आपने नहीं खाया, इतनी दुर्दशा हो रही है। फिर जाओगे, फिर जाओगे, बोलो। ये स्थिति है आप लोगों की। मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी लाइफ में, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं बाहर जाऊं। हम नहीं गए बाहर, हमने अपने यहाँ मेहनत की, मैंने भी बहुत कुछ किया है, तब जाके अब है इतना कि रहने को छत है, खाने को 2 टाइम की रोटी है, बहुत खुश हैं हम अपनी मिट्टी में रह के। अपनी मिट्टी में क्या रखा है बाहर? बाहर आप दूसरों की नज़रों में गिरे हुए रहते हो, कहीं कहते हो कि हम बिहारी हैं तो लोग आपको नीची दृष्टि से देखते हैं, ये सब आपके कारण, सारा दोष आपका है। मेरी
एक बहन दिल्ली रहती है, काफ़ी अच्छी स्थिति में है, अच्छी कंपनी में उनके पति जॉब करते हैं, और वो भी 2-3 महीनों से वहीं फंसी हुई थी। आज उन लोगों ने एक अपना गाड़ी भाड़ा करके वो लोग कल चल दिए हैं वहाँ से। उसके व्हाट्सएप पे मैंने उसका स्टेटस देखा, मन एकदम दुखी हो गया। उसने लिखा है कि ऐसा नज़ारा देख के मैं गुड़गांव से चली और ये नज़ारा मैं बिहार तक देखती आ रही हूँ। मतलब मैंने देखा, उसने क्या नहीं लिखा उसमें, उसका उदास चेहरा मैंने तो देखा नहीं है, मैं तो सिर्फ वीडियो देख रही हूँ या न्यूज़ में देख रही हूँ, वो मंजर देखने लायक नहीं होगा। शायद उसने तो देख भी लिया, मेरे अंदर तो सहन करने की भी शक्ति नहीं है, मैं तो दिल की बहुत कमज़ोर हूँ। प्लीज़ आ जाओ, मत जाना बाहर। आप बड़े लोग ना, थोड़ा तरस खाओ इन पे, इनको आने दो प्लीज़। एक को मारते हो 10 मिलके मारते हो, पुलिस वाले हो, थोड़ी वर्दी की लाज रख लो, कम से कम इनकी भावनाओं को तो समझो। कैसे मार रहे हो इनसे पूछ तो लो, इन्होंने कितने दिनों से खाया नहीं, भूखे नंगे चल रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? सरकार बहुत कह रही है, बहुत ये है राहत पैकेज है ये वो, लेकिन आम लोगों तक उतना नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। तो इनकी मदद करो प्लीज़। अगर आप लोग ऐसे लोगों को देख रहे हो ना, आपसे जो हो सके करो, जो हो सके करो। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, बहुत मन अजीब हो रहा था कई दिनों से, मैंने सोचा मैं एक बनाती हूँ वीडियो। काफ़ी टाइम पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, FB पे डाला था, इनकी स्थिति देख के